गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं सब बच्चे? वी आर फाइन, थैंक यू। चलो गुड हो गया। बुक दे। कौन सी बुक सर? तुझे नहीं पता मैं कौन सी किताब पढ़ाता हूँ? कंप्यूटर पढ़ाते हैं सर। तो निकाल ना, मार उसी को, मार। ये ले। जब दिन की शुरुआत इतने अच्छे तरीके से होगी तो दिन कभी अच्छा गुजर सकता है। माशाल्लाह से जितना वजन इन मासूम बच्चों के मासूम कंधों के ऊपर डाला जा रहा है, उससे देखकर ये बात साफ साफ पता चल जाती है कि बच्चों को फुल टाइम ट्रेन किया जा रहा है कि कल को जब दियारी लगानी हो तो एक टाइम पे ज़्यादा सारी जो है वो ईंटें उठाई जा सके। मासूम बच्चों पे यार इतना जुल्म किस बात का? और यही बैग, यही बुक्स जो इतनी मुश्किलों से बच्चा उठा के जा रहा है, इसके बाद जब इसने स्कूल पहुँचना है तो स्कूल पहुँचने के बाद ये बैग उसको कहीं रखने की जगह नहीं मिलनी, अपने पास पाँव में ये बैग रखना है। और टीचर भी फॉर्मेलिटी के लिए कह देंगे के बैग को पाँव में रखा, लेकिन फिर टीचर को भी पता होगा क्लास में बच्चों की जगह नहीं है, लेकिन बच्चों पे बच्चे स्कूल वाले ठोसी जा रहे हैं और बैग फिर बच्चे मजबूरन पाँव में रखते हैं, और जब किताबें पाँव में आएंगी तो कभी दिल में तो आएंगी नहीं। हेलो बच्चे, ये आपका लंच। थैंक यू सर। बेटे इसको आपने पूरा फिनिश करना। वाह, मलक साहब बिरयानी खा रहे हैं। अच्छा ये तो मलक साहब से मुझे याद आया, आप लोगों को एक वाक्य सुनाता हूँ। हमारे वक्त में ऐसे हुआ करता था कि हमें पता नहीं होता था मैंने डब्बे में क्या दिया, और हम डब्बा जब बैग से निकालते थे, निकालते साल सबसे पहले जो है ना वो हम अपने मास्टर जी के पास चले जाते थे और उनको जाके कहा करते थे कि सर आप डब्बा खोल लें, जब तक आप पहला नवाला नहीं ना लें तब तक हम लोग नहीं खाएं। और आज के बच्चे देखो मुँह नीचे कर कर खा रहे, सारे मांग ना लें। नो कमेंट्स। अच्छा बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों को 2 हॉलीडेज आ रही हैं, और इन 2 हॉलीडेज के अंदर आप लोगों ने जो भी फूड खाना है वो आप लोगों ने कोशिश करना है कि अच्छा फूड खाना, हेल्दी फूड खाना, और उसके बाद आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल गेम्स खेलने, ओके, प्ले स्टेशन ये चीज़ें ज़रा थोड़ी कम करके फिजिकल गेम्स ज़्यादा खेलनी है, और आप लोगों ने एक कोई अच्छी सी हिस्टोरिकल प्लेस को जो है वो विज़िट कर कराना है, ताकि फिर जो हमारा नेक्स्ट वीक आए उसमें हम लोग जो बहुत अच्छे से काम कर सके, क्योंकि ये सब चीज़ों से आप फ्रेश होंगे हॉलीडेज में, आपने अपने आप को फ्रेश करना। अच्छा बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आगे आप लोगों को 2 छुट्टियाँ आ रही हैं, तो आप लोगों ने पता क्या करना? एक ये सफ़ा और बाकी ये सारे सफ़े, ये पूरी किताब हम लोगों ने ख़त्म करके आनी है। पीर वाले दिन किसी को ना याद हो मैं मुँह तो। एक तो यार ये छुट्टी भी हमारे सर पे, एक अजाब ही है। माशाल्लाह से 75 साल हो गए मुल्क को आज़ाद हुए हुए, और अभी तक किसी को ये नहीं पता चला इस मुल्क के अंदर कि छुट्टी का मतलब होता है छुट्टी, आराम, इस दिन सुकून करना है, अपने दिमाग को फ्रेश करना है, ना कि छुट्टी वाले दिन का इतना ज़्यादा काम दे दिया जाए कि बंदा छुट्टी को ही सर पे सवार कर ले कि अभी मैंने ये भी करना है, ये भी करना है। छुट्टी पे आपने करना है रिलैक्स। ये चीज़ जिस दिन समझ आ जाएगी ना, उस दिन मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा मसले हल हो जाएंगे, क्योंकि जब बंदा छुट्टी के बाद पहले दिन अगर स्कूल पहुंचता है, बच्चा स्कूल पहुंचने का उसको टेंशन लगी होगी, यार मैंने वो काम नहीं किया या मैंने वो काम नहीं किया, छुट्टी में काम रह जाते हैं, तो जब उसके हफ्ते की शुरुआत फिर टेंशन से होगी, फ्रस्ट्रेशन से होगी, उस बच्चे ने क्या करना है? अच्छा बच्चों, अब आप लोगों को जो है ना वो एग्ज़ाम आने हैं, और इसके अंदर आप लोगों ने अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस जो है ना वो देने की कोशिश करनी है। इसके लिए आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना, इसको आपने जहन पर सवार नहीं करना, ये आपको जो है वो प्रिपेयर करने के लिए दिए जाते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके बाद जो है वो आप कोई हार जाएंगे या जीत जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप अपना बेस्ट दे सकें, ओके। वैसे हम लोग आपके साथ हैं, कहीं पर मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप लोग मेरे पास में आ सकते हैं। थैंक यू सर। अच्छा बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 10 तरीक से आपके सालाना इम्तिहान शुरू हो गए, और सालाना इम्तिहान की तैयारी जो है वो अच्छी करें, और जिस बच्चे की फीस अब तक नहीं जमा हुई ना उसको सालाना इम्तिहान में नहीं बैठना है। जिनका मकसद और पॉइंट ही सिर्फ फीस है, उन्होंने फीस से कभी आगे नहीं बढ़ना। एक्सक्यूज मी सर, सर ये प्लीज एसी थोड़ा सा हल्का करा देते, बहुत ज्यादा ठंड हो गई है। मैं करवा देता हूँ बेटा। ओए कूलर बंद करे सर, आज पहली बड़ी गर्मी है, प्लीज चलाने दे।
कम 3 खा जो होगी अभी तक तुम आइस में नहीं फीस नहीं हमारी और ख्वाहिशें तुम ऐसे कर रहे जैसे तुमने पूरे साल के पीछे मारा। वैसे भी सर कूलर चलाने का जो टाइम हमें सिर्फ मिलता है ना सिर्फ एक सर जाते हैं और जब अगले का लेक्चर शुरू होने के दरमियान में जो 10-15 सेकंड होते हैं ना सिर्फ वो ही जो है ना कूलर चलाने का टाइम पूरा दिन का मिला तो मुश्किल से 1.5 मिनट कूलर चलता है। जब बच्चे को स्कूल में दाखिल कराया ना प्ले ग्रुप क्लास के अंदर तब भी स्कूल वालों के मुंह पे बस एक ही चीज़ होती है और जब वो बच्चा वहाँ स्कूल से पास होकर निकल रहा हो वो स्कूल कंप्लीट कर रहा हो आगे कॉलेज को जा रहा हो तब भी स्कूल वालों को बस यही बात। हेलो हेलो भाईजान किधर वापस इंपॉर्टेंट मैसेज तो सुनते जाओ मॉरल ऑफ द वीडियो तो सुनते जाओ। वीडियो सुनने में काफ़ी कॉमेडी होगी देखने में काफ़ी कॉमेडी होगी लेकिन इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट मैसेज था जो कि शायद कोई बंदा उस मैसेज तक पहुंचा हो वही मैसेज मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं। मेरा वीडियो बनाने का हरगिज़ मकसद ये नहीं था कि मैं किसी चीज़ को डिग्रेड करूं लेकिन ये रियलिटी है कब तक हम इस रियलिटी को जो है वो छुपा कर रखेंगे हो सकते हैं शायद हमारे सामने आए तो हम कुछ चीज़ों को जो है बेहतर करने लगें। ये हमारी बेस थी जिसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई और हमारी बेस ही ख़राब चल रही है तो हमने आगे किस तरह ठीक होना है। 75 साल हो गए माशाल्लाह से हमारे इस मुल्क को आज़ाद हुए हुए यानी हमें इंडिपेंडेंट हुए हुए अपने फैसले खुद करते हुए हमें 75 साल हो गए और 75 सालों के बाद अब कभी कभी मुझे ऐसा लगने लग गया कि शायद अगर हम आज़ाद ना होते तो हालात कुछ बेहतर होते लेकिन बहरहाल ऐसी बात नहीं है अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम आज़ाद हैं। बस हम लोगों की सोचें थोड़ी सी बेहतर हो जाए शायद चीज़ें बेहतर होने की तरफ आ जाएँ यानी 75 साल हमें हो गए और ऐसे ही देखते देखते 100 साल हो जाएंगे तो अगर हम आज से अपने आप को बेहतर करना शुरू करें तो मेरे ख्याल से जो हम 100वां साल मनाएंगे अपनी इंडिपेंडेंस का वो शायद हम जो वो हंसी खुशी से मना सकें नहीं तो अगर इसी तरह रहेंगे तो खुदा ना आस्ता 100 साल 200 साल भी गुजर जाएंगे तो हम इसी तरह ही रहेंगे। तो ये चीज़ जो है समझने वाली चीज़ है इसको मेरे ख्याल से समझना चाहिए और मैं वीडियोज़ बनाता भी इसलिए हूँ कि मैं कॉमेडी के अंदर आप लोगों को कोई मैसेज दूँ। अब वो कोई मैसेज पिक कर लेते कोई बस कॉमेडी देख के चला जाता है मेरी मेजोरिटी वीडियोस के अंदर कोई ना कोई मैसेज होता है तो वीडियोस कॉमेडी इसलिए बनाई जाती हैं ताकि आप लोगों को जो है इंटरेस्ट हो वीडियो देखने के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसको शेयर करने से मुझे सिर्फ नहीं फ़ायदा होगा हम सबको बल्कि फ़ायदा होगा हो सकता है हम सबको अपनी कोई ना कोई गलती पता चल जाए क्योंकि हम सबकी आज तक गलती ये है कि हम सब ये समझते हैं कि मेरी तो कोई गलती नहीं थी जबकि इस मुल्क के अंदर हर एक फ़र्द की आपकी मेरी हम सबकी कोई ना कोई गलती है जिसकी वजह से आज हम जो है वो इस पोजीशन पर खड़े हैं कि हालात जो है वो काफ़ी बुरे हैं। आप सब भी इससे वाकिफ़ हैं और मैं भी इससे वाकिफ़ हूँ तो एक दिन का जश्न मना के ये हालात को हम भूल नहीं सकते इसलिए बेहतरी इसी में ही है कि हम सब जो है वो रियलिटी को देखें और अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही अपना ख्याल रखें टेक केयर अल्लाह हाफिज।